हे एवरीवन, कैसे हो गाइस? वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ प्रीति। और मैं आज एकदम नया मूड लेकर आई हूँ। ये है जॉम्बी वाला मूड जो फ्री फायर में नया नया आया है। ऐसे तो ये पहले भी था, लेकिन उस फ्री फायर वालों ने इसको हटा दिया था, अभी वापस से ये कम बैक किया है गाइस। तो आज हम ये मूड खेलने वाले हैं और ये काफ़ी ही बहुत अमेजिंग है। अगर आप अपने स्क्वाड के साथ खेलते हो ना, तो सच में बहुत मज़ा आता है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। और तो चलिए चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लूट्स वगैरह ले लिया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड में कुछ स्पेशल पावर चूज़ करने का मौका मिलता है, जो आप चूज़ करोगे अपने हिसाब से, जो आपको बेटर लगे। उसके बाद आपको गन खरीद सकते हो और आप जॉम्बीज को मारोगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे ऊपर, एफ पॉइंट्स बढ़ेंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट राउंड में और भी वेपन्स वगैरह परचेस कर सको और जॉम्बी को धो सको। बिकॉज ये तो इजी है, लाइक फर्स्ट राउंड है तो थोड़ा इजी है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड इससे ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो इस गन से तो चलने वाला है नहीं, हमें गन चेंज करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हमें पॉइंट कलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग को पॉइंट कलेक्ट करना है, उससे पहले जैसे गेम ख़त्म होने से पहले, नहीं तो हम सेकेंड राउंड में पक्का हारेंगे क्योंकि हमारे पास वेपन्स नहीं होंगे। अब देख सकते हो कि कितनी सारी जॉम्बीज भर भर के आ रहे हैं यार, मतलब हर जगह ये लोग बताने कीड़े मकौड़े जैसे आ रहे हैं। ये सब जॉम्बीज तो फिर भी ठीक है गाइस। मैंने ना इसका एक और मूड खेला है, मैं उसका भी वीडियो डालूंगी। ओ माय गॉड, वो मूड इतना डेंजरस है ना, पता नहीं क्यों, बट मुझे उस वाले मूड में बहुत डर लगता है। और ये जो आप देख रहे हो रेड रेड सर्कल बन जा रहा है, इसमें अगर आप खड़े रह गए ना तो आप डैमेज हो जाओगे और मर भी सकते हो। और अगर सारे टीममेट्स मर गए ना तो गेम ओवर हो जाएगा। एक ना एक टीममेट्स को अंत तक रहना पड़ता है, ठीक है, मतलब ज़िंदा रहना ही होगा। अगर स्क्वाड सारे मतलब एक बार में मर जाएंगे तो गेम ही ओवर हो जाएगा, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और जैसे ही आपको सारी स्क्वाड आप देखो ना कि नॉक हो गए, अब बस सिंगल आप बचे हो ना, तो लड़ाई छोड़कर भागने पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि कुछ सेकंड में ही आपकी टीममेट्स वापस रिवाइव हो जाएंगे, तो फिर आप फाइट ले सकते हो। नहीं तो अगर जॉम्बी ने बाई चांस आपको मार दिया, क्योंकि देख ही रहे हो कि चारों तरफ से जॉम्बीज आ रहे हैं यार, तो कहीं से भी हम टपक सकते हो, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। और राइट, तो ये जॉम्बीज तो आए जा रहे, कंटिन्यू आए जा रहे भाई, पीछा छोड़ दो मेरा यार, और भी तो लोग हैं भाई। मुझे क्यों लग रहा है कि जॉम्बी सारे बस मेरे ही पीछे आ रहे? देखो जहाँ जा रहे वहाँ पीछे पीछे दौड़ रहे। और इनका पावर देखो भाई, मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जॉम्बीज़ के पावर बहुत स्लो होते हैं, वो ऐसे हिल डुल कर चलते हैं ना, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है यार। ये जॉम्बी का पावर काफ़ी अजीब अजीब सा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई स्पीड में दौड़ रहा है। तो गाइस हम लोग फर्स्ट राउंड सक्सेसफुली विन कर चुके हैं और अब आएगा सेकेंड राउंड, जो कि इससे बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड राउंड निकाल पाएंगे या नहीं। और यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर है, यू कैन सी मैंने बोनस लाइक कुछ है वो, शायद उससे कुछ बोनस पॉइंट बढ़ेगा या कुछ तो ऐसा था, मुझे खुद नहीं पता, जितना मुझे समझ आया मैंने ले लिया है। खैर चलिए इसको छोड़ते हैं। और अब हम फाइट पीस वाले मूड में भी मैं डबल गन नहीं खरीदती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इस वाले स्टेज को भी हम सक्सेसफुली विन कर लेंगे शायद। और बस जो थर्ड राउंड होने वाला है ना गाइस, वो बहुत डेंजरस होने वाला है, तो इसी वजह से उस वाले राउंड के लिए हमें वेपन्स ठीक से रखने हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ से एमओ वगैरह ले लिया है, 10K मेरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट राउंड में मैं सोच रही हूँ गन खरीद लूँ। 10K जैसे ही आपके पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है, उसको परचेस करने से ना आप हर गन, जो भी आपको यहाँ पे गन चूज़ करने का मौका मिलता है ना, उस गन को आप ना डबल कर सकते हो, लाइक एक साथ दोनों को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वेक्टर में होता है ना कि आप एक साथ गन को यूज़ करते हो, बिल्कुल सेम वैसे ही फीचर्स आपको मिलने वाला है इस वाले में भी। वो जो कुछ होता है 10,000 की प्राइस है, उसको परचेस करने से ही आपको ये चीज़ मिलेगा। तो गाइस मैंने इसको मार दिया है, इस चप्पल गंजू को, और मेरे टीममेट्स भी हैं सब भरे हुए, मेरे टीममेट्स एकदम जोरों शोरों से लड़ रहे हैं। गाइस पता है मुझे ना लाइक गेम के साथ साथ
फाइटिंग के साथ साथ कुछ एडवेंचर वाला भी होना, जिसमें आपके सारे टीममेट्स एक साथ जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सर्वाइव कर रहे हो प्लस फाइट कर रहे हो, इस तरह के गेम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं ना एक और चीज़ मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल पे ना मैं ग्रैनी का भी क्या बोलते हैं लाइव स्ट्रीम थोड़ा ट्राई करूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट में कि क्या मुझे करना चाहिए, ग्रैनी जो हॉरर गेम है उसका लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फन होगा अगर हम लोग उसको करते हैं। तो गाइस ये रहा थर्ड स्टेज, और इस वाले स्टेज में बहुत डेंजरस होने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इतने ही गन्स थे, और मैं दोनों गन को मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक गन आप दूसरा यूज़ करोगे, एक गन आप दूसरा यूज़ करोगे, या फिर दोनों आप सेम गन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक UMP था और एक यहाँ पे स्कार है, तो मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करने वाले हूँ इस वाले राउंड में। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि भाई थोड़ा जॉम्बीज को नज़दीक से देखने की कोशिश कर रही थी, पर देखो यार ये मोटू को देखो कैसे ये आ रहा है यार, अजीब है गंदा सा। ओ भाई साहब इसका लुक देखो यार, कितना बॉडी बिल्डर है ये जॉम्बी, और इसके हाथ में वो कितना बड़ा है यार मारने वाला, इसे तो कोई भी बंदा एक ही बार में मर जाए। तो ये मोटू यार आके फट जा रहा है यार, अजीब मोटू है ये तो, कितना खाया हुआ है यार छोटू प्लस मोटू। और एक वाले एक जॉम्बी को देखा आपने स्केलेटन वाले, आप तो यहाँ पे मेरा स्टाइल दिखी रहे हो एकदम मस्त, मैंने दोनों हाथों में गन ले लिया और अब मैं धो रही हूँ सारे जॉम्बीज को, पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं क्राउच कर गई यार, और इतनी सारी जॉम्बीज आ रहे यार दिमाग का दही हो रहा है। इसको देखो ना यार ये कितना अजीब है, कितना डेंजरस दिखता है, पता है आपको ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा डेंजरस दिखने वाले जॉम्बीज आपको मिलने वाले हैं। पर मुझे ना पता नहीं एक ही देखो एक ही गेम खेल करके सबका थोड़ा मन बोर हो जाता है ना, कि मन करते कि कुछ नया नया आते रहे तो अच्छा लगता ट्राई करने में। तो मुझे ना ये नया सा कुछ दिखाया है फ्री फायर में, बस मैं बस 5 मंथ्स से आई गेस खेल रही हूँ फ्री फायर में, 5 मंथ्स पहले आई थी, तो मैं ये सब मूड्स पहले नहीं खेली हूँ, मेरे लिए ये एकदम न्यू है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको खेलने में यार। तो गाइस देख ही सकते हो ये मोटू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मोटू के साथ साथ ये जो बॉडी बिल्डर वाला है ना जॉम्बी अब ये फटेगा, ये मोटू को कोई और काम नहीं है बस ये फटते ही रहता है। चलो यार यहाँ से गाड़ी उठाया जाए, गाड़ी से मारने की कोशिश करूँगी यार, वैसे अब जीत नहीं पा रहे हम लोग, ये राउंड तो हमें शायद जीत ही जाएंगे अब मुझे लग रहा है। हमें गाड़ी अटक गई, गाइस क्या हो रहा है ये जॉम्बी सब कहाँ चले गए, लगता है राउंड ख़त्म हो गया है। हाँ राउंड ख़त्म ही हो गया है, तो गाइस शायद हम लोग ये गेम जीत चुके हैं। और मैं सोच रही थी कि इसके अंदर लेके जाऊंगी अपनी गाड़ी को, लेके मैं घुमा रही हूँ उसको, पर मैं जा ही नहीं पा रही, पता नहीं ये बंदा कौन है जो मेरी गाड़ी में आके बैठ गया है। ओ उतर भी गया, अरे भाई करना क्या चाहता, अरे ये मेरी गाड़ी फोड़ रहा है यार, अरे गाड़ी फोड़ रहा है ये, भगा लो यहाँ से। अच्छा पता है एक बात, इस वाले में ना गाड़ी नहीं फूटती, तो गाइस हमने ये राउंड सक्सेसफुली विन कर लिया है, कितने देर बाद रिजल्ट दिया है इन्होंने। चलो गाइस आई होप आपको मेरा ये वाला गेम प्ले आज वाला पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, लव यू ऑल। मैं इवनिंग में 6 बजे लाइव आऊँगी, मेरे साथ ज्वाइन हो जाना अगर आपको भी मेरे साथ गेम खेलना है, तो बाय बाय।